सारे गामा कारवां इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूं रुचि आपके साथ और एक बार फिर से बढ़िया और हिट गानों की प्लेलिस्ट लेकर आई हूं आपके लिए, जो कि इस बार होगी कपूर खानदान के नाम। गोल्डन एरा के समय से लेकर अब तक बॉलीवुड और कपूर फैमिली का रिश्ता अटूट सा रहा है। पृथ्वीराज साहब से लेकर रणबीर कपूर तक, या ऐसा कहूँ कि तैमूर तक, सभी कपूर खानदान के सदस्यों को सुपरस्टार का ताज दिया गया है। लेकिन ये ताज मिलना आसान नहीं था। क्या आप जानते हैं, पृथ्वीराज साहब के बेटे होने के बावजूद राज कपूर जी ने एज अ क्लैपर बॉय, जो कि टेक वन टेक टू बोलते हैं, उनकी बतौर अपने बॉलीवुड की करियर की शुरुआत की थी। उनका काम बस यही था कि जब भी एक्टर एक्ट्रेस तैयार हो जाएं तो आकर के क्लैप करते थे। लेकिन खुश मिजाज इंसान थे, फ्रेंडली इंसान थे, तो उनकी सबसे दोस्ती हो गई थी सेट पर, स्पेशली उस समय के कैमरा मैन के साथ में। तो हर शॉट के पहले कैमरामैन बिना किसी को बताए चुपके से राज कपूर साहब के क्लोजअप शॉट्स ले लिया करते थे, और इस तरह बिना किसी के नोटिस में आए राज कपूर साहब ने अपना पूरा पोर्टफोलियो बनवा लिया था। वैसे आपको पता है, एक वक्त शूटिंग के दौरान जब राज कपूर साहब क्लैप दे रहे थे, तो उस समय हीरो की दाढ़ी जो थी वो क्लैप की स्टिक और जो क्लैप बोर्ड होता है उसके बीच में आ गई थी, और वो हीरो बड़ा नाराज हो गया था। फिल्म का पूरा सेट, पूरी यूनिट जो थी, वो सब ये चीज़ देख करके हंसने लगे थे, और एक्टर और ज़्यादा बिगड़ गया, और डायरेक्टर भी केदार शर्मा जी उस समय थे, वो भी बहुत गुस्सा हो गए थे राज कपूर साहब पर, और उन्होंने राज कपूर को आकर के थप्पड़ मार दिया था। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी इनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने कभी भी आकर के ये नहीं जताया या दिखाया कि ये मेरा बेटा है और तुमने इसे थप्पड़ कैसे मारा, अपनी स्ट्रगल है, तुम्हारी गलती है, तुम भुगतो। आखिर आई थिंक यही सीख थी और यही तरीका था जिससे कपूर खानदान के सभी लोग सुपर हिट और सुपर सक्सेसफुल रहे हैं। आई थिंक अपने समय के यंगेस्ट फिल्म एक्टर और फिल्म डायरेक्टर दोनों ही रहे हैं राज कपूर साहब। वैसे ये बनना म्यूज़िक डायरेक्टर चाहते थे, लेकिन तकदीर इन्हें कहीं और ही लेकर के चली गई। वैसे कपूर खानदान की अगर बात करें तो ऋषि कपूर जी को कैसे हम भूल सकते हैं। ऋषि कपूर जी ने भी बचपन में ही बड़े पर्दे पर एक्टिंग का ट्रायल दे दिया था, और एक्टिंग के लिए ऋषि कपूर जी को पैसे नहीं बल्कि रिश्वत मिला करती थी। आखिर क्या था ये किस्सा, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की प्यार हुआ इकरार हुआ गाने के साथ। आई थिंक सबसे ज़्यादा रोमांटिक गाना आज तक पूरी हिस्ट्री में, आप जितने भी गाने देख लो उन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा प्यारा गाना मन्ना डे और लता ताई की आवाज़ में आपके लिए। फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। Thank you.
भी चमकेगा कभी प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंदिर प्यार हुआ सारे गामा कारवां इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं माना अपनी जेब से फकीर हैं फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी जले बहार के लिए वो जिंदगी किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार जीना इसी का नाम है
दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान के बारे में। बॉलीवुड में रोमांटिक हीरोज तो बहुत हैं, लेकिन सबसे क्यूटेस्ट रोमांटिक हीरो अगर कोई था तो वो अनडाउटेडली ऋषि कपूर ही थे। वैसे काफ़ी कम लोग जानते हैं कि ऋषि जी की पहली फिल्म एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मेरा नाम जोकर नहीं थी, बल्कि श्री 420 थी, जब वो और भी ज़्यादा छोटे एकदम बच्चे से थे। और सुना है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस जी ऋषि कपूर जी को चॉकलेट्स दिया करती थी ताकि वो चुपचाप साथ में शूट कर ले बिना कुछ नखरे दिखाए, और हर बार सेट पर आने के लिए उनके साथ बैठने के लिए मान जाएं। तो ये थी रिश्वत जो कि ऋषि कपूर जी को दी जाती थी शूटिंग करने के लिए। ऐसे ऋषि जी की फिल्म हीना राज कपूर साहब की लास्ट डायरेक्टोरियल फिल्म थी, जो बाद में रणधीर जी ने कम्प्लीट की थी। ऋषि जी करीब 21 साल के थे जब उनकी फिल्म बॉबी आई और वो रातों रात पॉपुलर हो गए थे। ऋषि कपूर जी ने शादी से पहले भले ही काफ़ी गर्लफ्रेंड्स रखी, लेकिन शादी के बाद वो नीतू सिंह जी से हमेशा लॉयल रहे हैं, ना कभी कोई कंट्रोवर्सी, ना कभी कोई अफेयर। आप जानते हैं दोनों का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। दोनों ही खानदान नहीं चाहते थे कि ऋषि जी और नीतू जी शादी करें, लेकिन इनके प्यार की सीरियसनेस तब पता चली, स्पेशली नीतू जी के परिवार को ऋषि जी के प्यार की गहराई तब पता चली जब ऋषि जी तपते बुखार में अपना प्रपोजल ले करके नीतू जी के घर पहुंचे थे और उनके परिवार वालों को कहा था कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी इससे शादी करवा दो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। सुना है 1975 में नीतू जी बिजीएस्ट हीरोइंस में से एक थी, कुछ 85 असाइनमेंट्स एक साथ इनके पास हुआ करते थे, लेकिन अपने परिवार के नाम, कपूर खानदान के नाम, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। चलिए सुनाती हूँ आपको अगला गाना, हम किसी से कम नहीं फिल्म से ऋषि कपूर जी को सेलिब्रेट करते हुए। किशोर दा का है ये गाना, और कुछ देर के बाद आपको बताऊंगी कि शम्मी कपूर जी एक्टर की बजाय बचपन से आखिर क्या बनना चाहते थे। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, हे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, हे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, हे बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। Thank you.
दुनिया में नहीं है आज मेरा सा दीवाना, प्यार वालों की जुबां पे है मेरा ही तराना। सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा। है बचना ऐ हसीनों, लो मैं आ गया। शाम देती है सलामी, गीत झुकते हैं लबों पे, साज करते हैं गुलामी। वो कोई परजा हो या बादशाह, आज तो सभी हैं मुझ पे फिदा। है बचना ऐ हसीनों, लो मैं आ गया। लव दिस एपिसोड। Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. Dard-e-dil, dard-e-jigar, dil mein jagaya aapne. Dard-e-dil, dard-e-jigar, dil mein jagaya. बनाया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया।
कब कहां सब को गई जितनी भी थी परछाइयां उठ गई यारों की महफिल हो गई तन्हाइयां कब कहां सब को गई जितनी भी थी परछाइयां उठ गई यारों की महफिल हो गई तन्हाइयां क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने दर्द जिगर दिल में जगाया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज के सभी गाने जो हैं वो आप सारेगामा कारवा से सुन रहे हैं। आई होप आपको ये गाने और आज की प्लेलिस्ट जो कि कपूर खानदान पर बेस्ड है वो बेहद पसंद आ रही हो। वैसे जहां पिता के कदमों पर बेटा यूजुअली हमारे कल्चर में हमारे देश में चलना पसंद करता है, वहीं पृथ्वीराज साहब के दूसरे बेटे शम्मी कपूर साहब एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। वाह। लेकिन वो कहते हैं ना, जब खानदान फिल्मों से जुड़ी हो तो एक्टिंग रग रग में दौड़ेगी ही। वैसे ही शम्मी कपूर जी की पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे करके बढ़ ही गई। इनफैक्ट एक्चुअली उनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा तब जाकर बढ़ी जब इन्होंने अपनी मूछें मुंडवा दी थी और ये एक चॉकलेटी बॉय रोमांटिक हीरो जैसे सबके सामने आए। वैसे कपूर खानदान की एक खास बात ये रही है हमेशा से कि ये सभी एक दूसरे के लिए लड़ पड़ते थे। आज तक भी ऐसा ही है। आप किसी के बारे में कुछ बुरा कह के तो देखो। क्या आप जानते हैं, शम्मी जी को डॉन बॉस्को स्कूल से निकाल दिया गया था। उन्हें वो स्कूल छोड़ना पड़ा था। क्यों? क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल और राज कपूर साहब के बीच में लड़ाई हो गई थी। प्रिंसिपल ने क्लासेस मिस करने की परमिशन नहीं दी थी शम्मी साहब को, और शम्मी साहब अपने पिता के एक प्ले में, शकुंतला नाम का एक प्ले था, उसमें एक छोटा सा रोल निभा रहे थे जिसके रिहर्सल के लिए इन्हें जाना था। बस क्या था, राज कपूर साहब और प्रिंसिपल के बीच में हो गया झगड़ा और उसके बाद में ना आओ देखा ना ताओ शम्मी जी को उस स्कूल से निकाल लिया गया। खैर चलिए, मैं आपको अभी सुनाती हूँ अगला गाना तीसरी मंजिल से, आशा ताई और रफ़ी साहब की आवाज़ में, और कुछ देर के बाद बताऊँगी आपको कि कपूर खानदान के वन ऑफ द मोस्ट लर्नड पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल शशि कपूर साहब किस लड़की के सबसे ज़्यादा करीब थे। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। ठहरता ही नहीं, मैं भी हूँ गलियों की परछाई का
हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां वो अनजाना I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया एक चीज कयामत भी है लोगों से सुना करते थे तुम्हें देख के मैंने माना वो ठीक कहा करते थे वो ठीक कहा करते थे है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू सब बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का साया है तेरे बालों का तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप मैं हूं रुचि आपके साथ कपूर ख़ानदान के बारे में आपको कुछ ऐसे किस्से और कहानियाँ सुना रही हूँ जो कि शायद ही आपने सुने होंगे इसके पहले
शशि कपूर साहब के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से ये इकलौते ऐसे सदस्य रहे हैं कपूर ख़ानदान के जिन्होंने अपना पैसा कभी भी किसी कमर्शियल बिजनेस में नहीं डाला, प्रॉपर्टी में या फिर शेयर बाज़ार में, कहीं पर भी नहीं। इनका हमेशा से मानना था कि मैं जो भी पैसे कमाता हूँ वो फिल्मों से कमाता हूँ और मेरा ये कर्तव्य, मेरी ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये सभी पैसे वापस बॉलीवुड इंडस्ट्री और फिल्मों को ही दे दूँ। आई थिंक वो जीते थे तो फिल्मों के लिए जीते थे, मुनाफा हो या नुकसान। लेकिन क्या आपको पता है वो एक लड़की जिससे शशि साहब सबसे ज़्यादा करीब रहे पूरी ज़िंदगी अपनी, तो वो उनकी बेटी संजना। संजना उनकी ज़िंदगी की सबसे ख़ास इंसान रही, स्पेशली उनकी बीवी जेनिफर के चले जाने के बाद शशि जी इमोशनली पूरी तरह अपनी बेटी संजना पर डिपेंडेंट रहे। वैसे फिल्मों की बात करें तो दो हीरोइनों के साथ में इनकी जोड़ी हमेशा कमाल होती थी। इनफैक्ट इनकी फेवरेट ये दो हीरोइनें थीं, एक तो नंदा, सीनियर सुपरस्टार थी तो क्यों ना पसंद आए, और दूसरी राखी। अब राखी को एज अ को स्टार पसंद करने के पीछे इनका एक अलग ही सेल्फिश रीज़न था। वो ये था कि कई सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ें थी जो एक एक्टर होने के कारण उन्हें घर में नहीं खाने को मिलती थी, कि तुम्हें अच्छा दिखना है स्क्रीन पे तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए। तो घर पे खाने पीने के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन राखी जी घर से खाना बना बना करके लेकर आती थी जिससे कि शशि जी अपनी पसंद का खाना खा सकें, और इसीलिए शशि जी को राखी जी के साथ में काम करना बेहद पसंद था। चलिए इतनी बात हो ही रही है तो आपको सुनाती हूँ मैं अगला गाना, कन्यादान फिल्म से रवि साहब का एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी ये इठलाना ये शर्माना ये अंगड़ाई ये तन्हाई ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।
वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। हर तरफ हुस्न है, जवानी है, आज की रात क्या सुहानी है। रेशमी जिस्म रेशमी जिस्म थरथराते हैं, मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं। धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक दूर फैला है। दावते इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हसी पे फिदा। के मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। जमाने के बाजार में ये वो शे है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के इनाम की चीज है। ये बस नाम ही नाम की चीज है, काम की है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत से इतना खफा होने वाले, चला आज तुझको मोहब्बत सिखा दे। बसा दे मेरा मशवरा, काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। ये बेकार बेदाम की चीज है, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। वेलकम बैक, मैं हूं रुचि आपके साथ।
आज के सभी गाने कपूर फैमिली को सेलिब्रेट करते हुए, कपूर खानदान को डेडिकेट करते हुए जो मैं आपको सुना रही हूँ, वो आप सारे गामा कारवा से सुन रहे हैं। अब हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें प्यार से डब्बू कहते हैं। मैं बात कर रही हूँ रणधीर कपूर जी की, जिन्होंने जया जी के साथ जवानी दीवानी की, रेखा जी के साथ रामपुर का लक्ष्मण, चाचा भतीजा और कस्मे वादे जैसी हिट फिल्में की। उन्होंने कल आज कल फिल्म से सिर्फ अपना एक्टिंग डेब्यू ही नहीं किया था, बल्कि अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू भी किया था। और ख़ास बात ये थी कि इसमें कपूर खानदान की तीनों जेनरेशन्स थी, वो खुद, उनके ग्रैंडफादर पृथ्वीराज कपूर और उनके पिता राज कपूर। हालांकि फिल्म एवरेज ही थी बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन फिर भी ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल फैमिली मेम्बर्स ने एक साथ में काम किया था, इंक्लूडिंग बबीता कपूर जी। क्या आप जानते हैं वैसे, रणधीर कपूर जी और बबीता जी का अर्ली 80s में ही डिवोर्स हो चुका था, जिसका असर रणधीर जी के करियर पे भी दिखाई दिया था। लेकिन एक इंटरव्यू में इन्होंने रिवील किया था कि कपूर फैमिली एकता में विश्वास रखती है, इसीलिए जब इन दोनों ने अपनी शादी को तोड़ने का सोचा, तब इनके परिवार वालों ने इन्हें कह दिया था कि इसका असर बच्चों पर नहीं आना चाहिए, जो कि हमें साफ दिखाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर फैमिली में लड़कियों का स्क्रीन पर आना, फिल्मों में काम करना, ये अलाउड नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़कियों ने भी अपना नाम कमाना शुरू किया, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले चलिए सुनते हैं अगला गाना, रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से किशोरदा और लता जी की आवाज़ में। मैं हूँ रुचि आपके साथ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। क्या कहा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका रे हुआ दीवाना, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम। ओ गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। अपने होठों में
लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम हाय लव दिस एपिसोड ऑफलाइन दिस वीडियो नाउ एंड एंजॉय दिस शो एनी टाइम एनी वेयर भौरे की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए भौरे की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए कब से थी प्यार की जुस्तजू मेरी जिंदगानी में है तू ही तू मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू मेरी जिंदगानी में है तू ही तू मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू भौरे की गुंजल है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए अम्मा कहा तेरे गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है तू इतना समझ ले मेरे हम सफर तेरे प्यार से मेरा संसार है भौरे की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए भौरे की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप मैं हूं रुचि आपके साथ आज हम बात कर रहे हैं कपूर ख़ानदान के बारे में पृथ्वीराज कपूर साहब की पूरी फैमिली जो है वो एक ना एक तरीके से फिल्मों में अपनी छाप जो है वो छोड़ ही चुकी है अभी भी हम लोग सुपर एक्साइटेड हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी फैमिली के वो भी अपना डेब्यू करेंगे और वो भी सुपरस्टार बन जाएंगे लेकिन एक ऐसा समय था जब कपूर ख़ानदान में लड़कियों को फिल्में करने की इजाज़त नहीं थी चाहे वो बेटियां हों या बहुएं हों इसीलिए शायद नीतू सिंह जी ने भी ये सोचा था कि नीतू कपूर बनने के बाद वो फिल्मों को अलविदा कहते हैं लेकिन ये जो एक इनकी कल्चर था इनका जो ट्रेडिशन चलता चला आ रहा था इसे तोड़ा करिश्मा कपूर ने करिश्मा ने सभी के विल के अगेंस्ट जा करके कुछ डांस शोज और प्लेज करना शुरू किए थे और फिर फिल्में भी उन्होंने करना शुरू की शुरुआत में उनके ख़ानदान के सभी लोग थोड़ा सा नाराज़ थे लेकिन समय के साथ में सभी की सोच जो थी वो थोड़ी तो बदल ही चुकी थी और जिस तरह की सक्सेस और स्टारडम करिश्मा कपूर को मिली थी करिश्मा की पहली फिल्म के बाद में ही इनके ख़ानदान के सभी लोग ये मान गए थे कि अगर ख़ानदान के लड़के शेर हैं तो ख़ानदान की लड़कियाँ सवा शेर हैं करिश्मा कपूर के बाद करीना कपूर ने अपना नाम और भी ऊंचा किया और फीमेल सुपरस्टार का खिताब करीना कपूर ने अपने नाम किया है लेट्स होप कि इनका ख़ानदान जो है वो यूं ही नाम कमाता चला जाए और यूं ही कपूर ख़ानदान और बड़ा होता चला जाए
फिलहाल आपको सुनाती हूँ पृथ्वीराज साहब की एक फिल्म से गाना प्रदीप कुमार जी की आवाज़ में। सुनिए ये गाना, काफ़ी सारी यादें आपकी ताज़ा होंगी इस गाने के साथ। मैं हूँ रुचि आपके साथ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। टूट गई है माला है माला मोती बिखर चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला की दुनिया छोड़ चले ये आज विरह में सपने मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज विरह में सपने खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते जैसी इनके बीती वैसी और किसी पे न बीते और किसी पे न बीते कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला मोती बिखर चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए तू जल जल के यहाँ किरने लुटा रे लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में सूरज रे
लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहे ना, सूरज रे जलते रहे ना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहे ना, सूरज रे जलते रहे ना। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस एपिसोड ऑफ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ।